इंदौर में भी 10 दिवसीय गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी को होगा। अनंत चतुर्दशी के दिन इंदौर में विगत कई वर्षों से झांकियों के निकलने की परंपरा है, इसी के चलते आज महापौर और निगमायुक्त ने झांकी मार्ग का दौरा किया। इस बार अनंत चतुर्दशी चल समारोह निकलना है और उसको लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ साथ निगम का अमला भी तैयारियों में जुट गया है। 2 दिन पहले भी अफसरों की टीम झांकी मार्गों का अवलोकन करने निकली, उसके बाद वहां सड़कों की मरम्मत के काम शुरू करा दिए गए। अब झांकी मार्गों के सभी खतरनाक मकानों को ढहाने की कार्रवाई जल्द शुरू की जा रही है। वहीं इंदौर महापौर का मानना है कि इस बार अनंत चतुर्दशी पर अपेक्षाकृत ज्यादा भीड़ रहेगी, इसी को लेकर आज आयुक्त नगर निगम प्रतिभा पाल ने महापौर सहित प्रशासनिक अधिकारी और ट्रैफिक अधिकारियों के साथ और MIC मेंबर्स के साथ दौरा किया। इंदौर महापौर का मानना है कि हम पिछले 90 सालों से जारी इस परंपरा को कायम रखना चाहते हैं और किसी भी व्यक्ति को तकलीफ न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही झांकी निकालने वाले संस्थाओं को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इंदौर की झांकी परंपरा पूरे देश में और विदेशों में विख्यात है। इस ऐतिहासिक परंपरा को कोविड में पिछले 2 साल से झांकियां इंदौर में नहीं निकली थी, लेकिन इस बार पूरे जोश खरोश और सम्मान से झांकियां अपने मार्ग पर निकलेंगी। उस पूरे मार्ग का हमने निरीक्षण किया है, जहां जहां रोडों में कहीं पैचवर्क की आवश्यकता थी, रोड के आसपास अगर खुले स्थान थे तो उनको ढकने की, सड़क पर पर्याप्त बिजली व्यवस्था की, ऐसे सारे तमाम निर्देश हमने दिए हैं। एक विशेष मार्ग पे बहुत विशेष रूप से स्वच्छता रहे, साफ सफाई रहे, धूल ना उड़े, इसके भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम सब ने मिलकर माननीय जयपाल सिंह जी चावड़ा, मधु भैया, क्षेत्रीय हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, सभी MIC के सदस्य, सभापति मन्नालाल जी यादव, इसके समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर जी पहाड़िया, राजेंद्र राठौड़ जी जानकारी के प्रभारी ने मिलकर पहले भी एक दौरा किया था। आज सब ने मिलकर पूरे झांकी मार्ग का विशेष रूप से दौरा किया है और सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वही इंदौर निगम आयुक्त का मानना है कि हमने संपूर्ण झांकी मार्ग का निरीक्षण किया है, जहां एक और बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक सड़क कार्य प्रगति पर है और यह सड़क स्मार्ट सिटी के तहत बनाई जा रही है। हमने स्मार्ट सिटी के इंजीनियर को कहा है कि जल्द ही इस सड़क का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां जहां जरूरत है वहां वहां झांकी मार्ग की सड़क पर पेच वर्क भी किया जाएगा, जिससे कि झांकी निकालने में कोई परेशानी ना हो। का निरीक्षण आज किया गया है, जिसमें महापौर जी, सम्मानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जी एवं सभी MIC के मेंबर्स भी उपस्थित थे। क्योंकि कोविड के बाद ये पहला चल समारोह होगा, तो चल समारोह के लिए जो तैयारियां हैं, खासकर रूट प्रिपरेशन है, लाइट की तैयारियां हैं, ये सभी टीम ने अपने टाइमली कर ली हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्मार्ट सिटी का जो रोड बन रहा था गौराकुंड से लेकर के कृष्णपुरा छतरी तक, इसकी तैयारियां स्मार्ट सिटी टीम ने बड़े टाइमली कंप्लीट करी हैं और हर बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा चौड़ा रूट चल समारोह को मिलेगा, जो और भव्यता के साथ में निकल सकते हैं। शाम को एक बैठक भी रखी गई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के साथ भी सब लोग बैठेंगे, जिसमें झांकियों का क्रम क्या रहेगा, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। तो इस तरीके से समय रहते अनंत चतुर्दशी का जो चल समारोह है, अपनी पूरी भव्यता से निकले, पूरी परंपरागत तरीके से निकले, इसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, जो लगभग समाप्ति की ओर है। कोरोना काल के बाद झांकियों के निकलने को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि इस बार झांकियों में लाखों लोग शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।